2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में टीम इंडिया का नया हेड कोच राहुल द्रविड़ को हटाकर गौतम गंभीर को बनाया गया है। लेकिन जब से गौतम गंभीर को टीम का हेड कोच बनाया गया है, तब से गौतम गंभीर ने अपनी टीम के सिलेक्शन में मनमर्जी दिखाई है और साथ ही गौतम गंभीर ने टीम के हेड कोच के लिए बहुत ही हाई सैलरी की मांग की थी, जो कि अब गौतम गंभीर को दी जा रही है। तो अब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटाकर MS धोनी को नया हेड कोच बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें गौतम गंभीर के बारे में, तो गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने के बाद में गौतम गंभीर के कुछ फैसलों से क्रिकेट प्रेमी बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद में गौतम गंभीर ने धोनी के चेले यानी ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम से बाहर कर दिया और ऋतुराज गायकवाड़ को उस समय बाहर किया है जिस समय पर ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं। इसके साथ साथ गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या को वॉइस कप्तानी से हटा दिया गया है और T20 का नया कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है और साथ ही T20 का वॉइस कप्तान शुभम गिल को बनाया गया है। यानी कि जिस शुभम गिल का T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सिलेक्शन भी नहीं हुआ, अब उसको सीधा टीम का वॉइस कप्तान बनाया गया है। इसके साथ साथ गौतम गंभीर अपने कार्यकाल में IPL की KKR की टीम के खिलाड़ियों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। IPL 2024 में KKR की ओर से खेलने वाले हर्षित राणा शायद सभी को याद होंगे, तो गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद में हर्षित राणा की टीम इंडिया में एंट्री हो गई है। आगे अगर गौतम गंभीर के बारे में बात करें तो गौतम गंभीर को 3 साल के लिए टीम का हेड कोच बनाया गया है और गौतम गंभीर आने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे और इन 3 सालों में गौतम गंभीर के सामने बहुत से चैलेंज होने वाले हैं, जिनमें 2025 में चैंपियन ट्रॉफी, साथ ही 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, इसके अलावा 2025 में खेले जाने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और साथ ही 2026 में एशिया कप और 2027 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी गौतम गंभीर के कार्यकाल में खेला जाना है। तो गौतम गंभीर के लिए आने वाले 3 साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, जिनका वीडियो मैंने एक बार पहले ही बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप बात करें MS धोनी के बारे में, तो MS धोनी हमेशा ही गौतम गंभीर से बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और 2023 में भी MS धोनी ने अपनी कप्तानी में CSK को एक बार फिर से IPL का चैंपियन बनाया था, जिससे कि MS धोनी के ऊपर कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद में गौतम गंभीर से पहले MS धोनी को टीम का हेड कोच बनाया जा सकता था, लेकिन MS धोनी को हेड कोच नहीं बनाए जाने के पीछे का कारण सभी को पता ही है, क्योंकि MS धोनी ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, लेकिन MS धोनी अभी भी इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में CSK की टीम से खेलते हैं और जब तक MS धोनी CSK की टीम से खेलते रहेंगे, तब तक MS धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई भी भूमिका नहीं मिल सकती है। अगर MS धोनी 2024 के IPL के बाद में संन्यास की घोषणा करते तो इस बार गौतम गंभीर के स्थान पर MS धोनी को ही टीम का नया हेड कोच बनाया जाता। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि MS धोनी अब तक IPL संन्यास की घोषणा नहीं की है, जिसके लिए MS धोनी को अब तक टीम इंडिया का हेड कोच नहीं चुना गया है। लेकिन आने वाले समय में यानी कि 3 साल बाद में जब गौतम गंभीर का कार्यकाल खत्म होगा, तो उसके बाद में गौतम गंभीर को हटाकर MS धोनी को नया हेड कोच बनाया जाएगा। ये बात हम अपने वीडियो में इसलिए बोल रहे हैं कि 2027 तक MS धोनी IPL से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं और इसके बाद MS धोनी टीम के हेड कोच की भूमिका संभाल सकते हैं। तो 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलने के बाद में टीम इंडिया का अगला हेड कोच MS धोनी को बनाया जाना है और इस बात में कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। और MS धोनी कप्तानी शायद सभी को ही पता है कि MS धोनी किस तरह से कितनी बेहतरीन कप्तानी करते हैं। MS धोनी ने टीम इंडिया के लिए 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप, साथ ही 2013 में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया है और साथ ही MS धोनी वो कप्तान है जिनकी कप्तानी में टीम ने 2 एशिया कप भी अपने नाम किए हैं। और MS धोनी यही नहीं रुके, बल्कि MS धोनी ने IPL में भी चेन्नई की टीम के लिए 5 IPL खिताब अपने नाम किए हैं, जहां पर गौतम गंभीर MS धोनी के कहीं भी आसपास भी नहीं है। तो यही कारण है कि आने वाले समय में यानी कि 2027 में गौतम गंभीर को हेड कोच हटाकर MS धोनी को नया हेड कोच बनाया जाएगा। तो अब अगर आप भी मेरी बात से सहमत तो कमेंट बॉक्स में यह कमेंट जरूर करें कि MS धोनी के हेड कोच बनने के बाद में MS धोनी को किस खिलाड़ी को टीम इंडिया में वापसी करानी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और साथ ही आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।